कहानी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तक की कहानी में हम लोगों ने देखा था कि ब्राउन नामक के व्यक्ति को, जो पनडुब्बी का या सबमरीन का नायक रह चुका था और अब वो रिटायर्ड पर्सन था, रिटायर होने के बाद वो घर में अपनी जीविका चलाता था पेंशन के द्वारा, उसे चर्चिल द्वारा बुलाया जाता है उसकी बहादुरी को ध्यान में रख करके। और ब्राउन जैसे ही चर्चिल से मिलने जाता है, चर्चिल उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपता है और वह जिम्मेदारी थी कि विश्व युद्ध में जो ड्रेडनॉट नाम का तुर्की जहाज था उसे, उसका विनाश करना मुख्य उद्देश्य उसे दिया जाता है। ब्राउन इस कार्य को करने के लिए शहर तैयार हो जाता है और बहुत ही सावधानी पूर्वक वो इस कार्य को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकल जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कहानी में अब तक ब्राउन और उसके साथी दानियाल दर्रा को पार करके समुद्र के सामने समुद्र में घुस चुके थे और सामने ही उनके ड्रेडनॉट नाम का जहाज खड़ा था, जिसे खत्म करना उन्हें दिया गया था, उनके कार्य में शामिल किया गया था। यानी मुख्य कार्य था कि उस जहाज को खत्म करना था। तो अब हम लोग आगे कहानी में बढ़ेंगे। मैं कहानी फिर पढ़ना शुरू कर रही हूँ। जिस इंजीनियर के हाथ में दूरबीन थी उसने पता लगाकर बताया, यहाँ से मील सवा मील की दूरी पर ही है हमारा सौभाग्य। ब्राउन ने भी देखा, तुर्की का यह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थिर था, झंडा लहरा रहा था, उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही थी। ब्राउन ने अपनी सबमरीन का मोर्चा ठीक किया। तारपीडो जल पर चलाया जाने वाला विस्फोटक गोला संभाला और आदेश दिया, दागो। यहाँ पर तारपीडो, ये जल में यानी पानी में चलाया जाने वाला विस्फोटक गोला यानी बम का गोला होता है। तो जैसे ही उन्हें ड्रेडनॉट सामने दिखता है कि राजधानी के बंदरगाह पर खड़ा है, ब्राउन तुरंत अपनी सबमरीन का मोर्चा ठीक करता है और विस्फोटक गोला दागने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ वो आदेश भी देता है कि दागो। सबमरीन समुद्र की सतह पर आई, यानी अभी तक वे लोग नीचे से ही इस चीज का जायजा ले रहे थे। जैसे ही आदेश मिला दागने का, सबमरीन समुद्र के सतह पर यानी ऊपर आई, इंजीनियर ने उसके सिरे पर तारपीडो गोला छोड़ा, भीतर बिजली का बटन दबा, तारपीडो तीव्र गति से उस ड्रेडनॉट की सीध में छूटा। यह सब थोड़े से सेकंडों में ही हो गया। सबमरीन सतह पर आई, ड्रेडनॉट के दूरबीन वाले ने उसे देख लिया और परख लिया था कि सबमरीन किसी शत्रु की है। ड्रेडनॉट की तोप ने एक गोला छोड़ा, यानी यहाँ से ब्राउन अपने सबमरीन से तारपीडो की तीव्र गति से ड्रेडनॉट के सीध में वो गोला को छोड़ता है। और इतने ही देर में, जैसे ही समुद्र की सतह पर सबमरीन आती है, ड्रेडनॉट ने का दूरबीन वाला भी उसे देख लेता है और वो तुरंत उसे उसके सबमरीन पर वो गोला दागता है। लेकिन ड्रेडनॉट पर गोला दागने के बाद
ब्राउन का सबमरीन अपना टॉरपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुकी थी, यानी जैसे ही इसने उस पर हमला किया यानी अपना गोला छोड़ा, तुरंत ही फिर समुद्र के अंदर लीन हो गया। और ड्रेडनॉट की तोप का वार जो था वो खाली चला गया, क्योंकि उसने वार तो किया लेकिन वो पानी पर गया और उसे सबमरीन को कोई हानि नहीं पहुंची। उधर ब्राउन का टॉरपीडो ड्रेडनॉट की छाती पर जा पड़ा, लेकिन ब्राउन ने जो टॉरपीडो को छोड़ा था ड्रेडनॉट की छाती पर जाकर पड़ा था, यानी सीधे बीच में जाकर के ड्रेडनॉट के बीच में जाकर के गिरा था और भयानक विस्फोट हुआ था। बड़े जोर से धाएं और बहुत धुआं तथा आग की लपटें, फिर कई धमाके हुए। यानी ये जो इसने जो हमला किया था वो बिल्कुल ही निशाने पर पहुंचा था और जिस उद्देश्य को पूरा करना था ब्राउन का वह उद्देश्य पूरा हो गया था, यानी पूरी तरह से ड्रेडनॉट नष्ट हो चुका था। कुछ मिनट बाद ब्राउन ने अपनी सबमरीन में से दूरबीन द्वारा देखा कि तुर्की के उस ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं बचा था। ब्राउन और उसके साथियों ने हर्षमग्न होकर अपना राष्ट्रीय गीत गाया। अब वे फिर से दोबारा बहुत खुश होकर के अपने राष्ट्रीय गीत को गाए। सब ड्रेडनॉट को नष्ट करने के प्रयास में यदि मारे जाते तो कुछ चिंता ना थी, परंतु अब उन सभी को अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से भागने की चिंता हुई। तो अभी तक उन्हें उनका जो मकसद था ड्रेडनॉट को नष्ट करना, उस मकसद में यदि उस कार्य को करते हुए वे मारे भी जाते तो उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन उन्होंने ड्रेडनॉट को तो नष्ट कर दिया था और वो भी शत्रु के इलाके में जा करके उन्होंने उसे नष्ट किया था, बिल्कुल उसके सामने पहुँच करके। इसलिए अब उन्हें अपने प्राणों की रक्षा के लिए चिंता होने लगी थी। ब्राउन के सहायक नायक ने कहा यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए। तो ब्राउन का जो सहायक जो था उसने तुरंत ये सुझाव दिया कि हमें तुरंत यहाँ से इस जगह को छोड़ देना चाहिए, तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन ब्राउन ने दृढ़ता से विरोध किया और कहा कि कदापि नहीं, यहीं पड़े रहो, तुर्की का बेड़ा हमारी खोज इधर उधर सब जगह करेगा, केवल यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि हम बचने के लिए अविलंब भाग निकले होंगे। तो उन लोगों का कहना था ब्राउन के सहायकों का कि हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन ब्राउन ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि नहीं, हमें यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि तुर्की का जो बेड़ा है, बाकी जो अन्य जो जहाज थे वे बाकी सब जगह खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर वे नहीं खोजेंगे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास रहेगा कि हम उन्हें नष्ट करके तुरंत यहाँ से भाग चुके होंगे। उसके साथी मान गए। सबमरीन वहाँ जलमग्न पड़ी रही, वहाँ समुद्र में बिल्कुल शांत होकर के पड़ी रही। संसार भर के पत्रों में समाचार छपा कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया है और उसके साथ ही ब्राउन के सबमरीन भी समाप्त हो गई है। यानी नष्ट करने के साथ ही ब्राउन चूंकि नहीं मिल पाया था, ना ही उसकी सबमरीन मिली थी, ना ही उसकी कोई टोली मिली थी, इसलिए सबों का ख्याल था कि वे लोग भी उस ड्रेडनॉट के साथ ही वे नष्ट हो चुके हैं। ब्राउन के घर में कोहराम मच गया। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगा। यानी मरने के बाद उन्हें आदर के साथ याद करना और उनके प्रति आदर की भावना को प्रकट करना, उसकी माँ और पत्नी के आंसुओं के ऊपर बार बार यह वाक्य तैरने लगता। यानी माँ और पत्नी बार बार रोते हुए ये बात लगातार बोलती थी कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बहुत मनहूस है ये,
ये यानी एक तरह से जो गलत धारणा उनके मन में पहले से ही बैठी हुई थी, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, यानी इसे उन्होंने अशुभता से जोड़ा था, अपशकुन से जोड़ करके रखा था। और ये भावना जो थी बार बार अब फिर से सिर उठा रही थी कि क्योंकि अभी तक ब्राउन और उसके सबमरीन की कोई भी खबर उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। कई घंटे वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई और एक दिन वह अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अंग्रेजी अमेरिकी बेड़ी के सामने समुद्र तल के ऊपर बलबलाती सबमरीन लिए जा पहुंचा। यानी बहुत देर तक वहां जलमग्न रहने के बाद धीरे धीरे सबमरीन, ब्राउन ने सबमरीन को धीरे धीरे वहां से हटाया और बहुत ही धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चलाने के बाद एक दिन अचानक वो भूमध्य सागर में अंग्रेजी और अमेरिकी यानी अपने इलाके में पहुंचने के बाद वो समुद्र के ऊपर आकर के सबमरीन को ऊपर ला करके और अपने दल में शामिल हो गया। हर्ष के अनेक घोषों द्वारा उन सब का स्वागत किया गया। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। ये एक बहुत बड़ी एक पदक है जो बहादुरी के लिए दिया जाता है। घर पहुंचा तो सारे का सारा वातावरण आनंद से किलकिलाता पाया। अब सुनाऊंगा तुम्हें कहानी। और ब्राउन बच्चों से कह रहा था, बच्चों को बार बार हृदय से लगाकर आश्वासन दिया कि मैं बिल्कुल सकुशल आ गया हूँ तुम लोगों के बीच में और अब तुम्हें मैं कहानी सुनाते रहूँगा। उसकी माँ बोली, इन्हें यह समझाना कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या परमात्मा का रचा कोई भी दिन पराक्रमी के लिए मनहूस नहीं होता। माँ उसकी एक ही बात बोलती रही क्योंकि अभी तक माँ और पत्नी के मन में यह बात, यह धारणा बैठी हुई थी कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन जो होता है वो बहुत ही अपशकुन या अशुभ होता है। तो उसने सबसे पहले यह कहा कि जब कहानी सुनाओगे तो उन्हें यह चीज़ ज़रूर से बताना बच्चों को कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन अगर है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उस तारीख और उस दिन को भी ईश्वर ने ही बनाया है। और यदि व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति यानी जो बहादुर व्यक्ति है, जो साहसी व्यक्ति है, अपनी साहस के द्वारा कार्य को करने की क्षमता रखता है, उसके लिए कोई भी दिन मनहूस नहीं होता। यानी यहाँ पर अंधविश्वास को तोड़ने की बात कही जा रही है। यानी बार बार पूरी कहानी में लेखक ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि अंधविश्वासी हमें नहीं बनना चाहिए, किसी भी तरह की गलत धारणा हमें अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जीवन के हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस रखना चाहिए। तो ये हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर को ध्यान से पढ़ करके समझ लीजिएगा। जिस तरह से मैंने इस वीडियो में समझाया है उसको ध्यान में रख करके पढ़ना है। और अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे।